मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्क। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग लाइक मल्टीटास्किंग। इट्स ऑल अबाउट मल्टी फोकस। आर यू एबल टू फोकस ऑन मल्टीपल टास्क? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क दैट यू वॉन्ट टू अचीव। दोस्तों, अगर आप एक साथ दो तीन काम करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार का काम आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी ऑटोमेटेड है, वो बहुत ईजी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आप कुछ, जैसे कि हमारा डेली हैबिट्स में होता है, हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप ऑडियो बुक सुनेंगे तो डैट विल बी बेनिफिशियल एंड डैट इज़ लाइक मल्टी टास्किंग। इट यू कैन अचीव दैट, क्योंकि उस टाइम पे आपको, आपके ब्रेन में और कुछ काम नहीं है, बस आप वो उसको ऑडियो बुक को आराम से सुन सकते हो और आपका मल्टीटास्किंग हो जाएगा। लेकिन वही, आप किसी प्रोजेक्ट, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी टाइम पे अगर आप कोई ऑडियो बुक सुनेंगे तो शायद आप उतना ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। मे बी यू कैन, इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप शायद आप 50% उसको आप ग्रास्प कर पाए, लेकिन आपको कम्प्लीटली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कम्प्लीट फोकस चाहिए और इसलिए आप उसको, आपको उसको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से सुनना पड़ेगा। सो डैट विल रियली इंक्रीज योर लाइक वर्क। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप, सपोज आप वर्किंग वुमेन हैं और आप किचन में हैं, आप खाना बना रहे हैं एंड मे बी योर किड इज़ कॉलिंग फॉर गिविंग समथिंग एंड योर हस्बैंड इज़ कॉलिंग एंड सो मैनी मल्टीपल थिंग्स यू आर डूइंग एट द सेम टाइम। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, आप इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि फिर जब ये सब सिचुएशन काम हो जाता है तो आप एकदम शांत हो जाते हैं, फिर आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर ऑफिस में हैं और आपको मेल भी लिखना पड़ रहा है और आपको कोई क्लाइंट कॉल भी आ रहा है और आपके टीम मेंबर भी आपका कुछ वर्क के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट रियली गुड टू नो डू मल्टी टास्किंग, बट समटाइम्स सिचुएशन इज़ लाइक दैट दैट यू हैव टू डू मल्टी टास्किंग। एंड इन दिस सेंचुरी वेयर वी ऑल नो डैट वी हैव ओनली 24 आवर्स एंड वी वॉन्ट टू अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो हमें काफ़ी चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा और डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी और द सिंपल टास्क, अगर आप उस टाइम पे दो तीन काम एक्चुअली कर सकते हैं तो डैट इज़ रियली गुड। क्योंकि अभी का ऐसा सिचुएशन है ना कि आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो हमारे पास इतना मतलब वक्त नहीं होता है। तो हमको एक तो हमारे टास्क को स्केड्यूल करना पड़ेगा बेटर तरीके से, और ताकि हम काम को फोकस कर सकें और कुछ चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ऑडियो बुक, ऐसा कुछ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सुन सकते हैं, या फिर आप अपना कुछ डेली का रूटीन वर्क कर रहे हैं। और मैंने तो मेरी फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स से ऐसा भी सुना था कि वो चपाती बनाते टाइम पे भी वो उन्होंने काफ़ी सर्टिफिकेशन किया एंड इट्स नॉट लाइक इजी वन, दे हैव डन लाइक सर्टिफिकेशन ऑन डेवऑप्स। तो इट ओनली डिपेंड, इट फुल कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फोकस, ऑन योर कंसंट्रेशन, कि आप कितना फोकस कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को जो ऑटोमेटिकली आपसे हो जा रहा है, आपके ब्रेन को ऐसा मतलब वो ऑटोमेशन मोड में चला गया है उस काम को करने के लिए, तो आप उस टाइम पे आप कुछ ऐसी लाइक क्रिएटिविटी कर सकते हो ताकि आप दो तीन काम पे फोकस कर सको और आप अपना वक्त भी बचा सको। बट आई वुड स्ट्रेस अपॉन दिस डैट इट कम्प्लीट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क डैट यू वॉन्ट टू अचीव। सो माई डियर फ्रेंड्स, let me summarize it again. So multitasking, there is nothing like multitasking. It's all about multi-focus and it depends on an individual and the automation mode and the complexity of the task that you are doing. So how much focus you want to put on so that you can achieve your multiple task.
एंड समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू मल्टीटास्किंग। और इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो या प्राणायाम या योगा करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो डैट विल लाइक एक्चुअली काम योर माइंड एंड यू कैन ट्राई टू डू मल्टीपल थिंग्स डैट ऑल्सो विद प्रोडक्टिविटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।